हे मार्शमेलोस, मैं आपकी लवर गर्ल आज आपको एक्सप्लेन करूंगी 2021 में बनी थ्रिल और सस्पेंस से भरी एक साउथ कोरियन फिल्म को, जिसका नाम है मिडनाइट। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट्स करके अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर लिखकर बताना। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है और देर रात को एक लड़की अपने ऑफिस की एक्स्ट्रा शिफ्ट खत्म करके घर जा रही होती है। वो फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए रोड से जा रही होती है, मगर तभी उसके पीछे एक वैन आकर रुकती है, जिसमें बैठा शख्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है। इस अनजान शख्स का नाम था दूषिक। वो लड़की उसे जानती तक नहीं थी, इसलिए वो उसमें बैठने से उसे इनकार कर देती है। जब ये लड़की वहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक उसे किसी लड़की की चीख सुनाई देती है, जो कि उसकी मदद मांग रही थी। जब ये लड़की पीछे मुड़ती है तो उसे वही वैन दिखती है, और इस बार उसका दरवाजा खुला हुआ था। ये लड़की हर फिल्म की तरह अकेले ही इस वैन के पास जाकर चेक करती है। जब वो वैन के अंदर देखती है तो उसकी नज़र एक आदमी की डेड बॉडी पे पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, इस वैन का ड्राइवर दूषिक उसे चाकू दिखाकर वैन के अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में दूषिक डरा हुआ होने की एक्टिंग करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसने यहाँ पे दो लोगों की डेड बॉडी पड़ी देखी। दूषिक पुलिस को झूठा बयान देता है कि कुछ गैंगस्टर्स ये बॉडी यहाँ फेंक कर चले गए थे, मगर इसकी एक्टिंग इतनी लाजवाब थी कि पुलिस ऑफिसर बड़ी आसानी से उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। इसके बाद ये खूनी साइको की तरह स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक क्यूट लड़की युमी को, जो कि एक कस्टमर हेल्प सेंटर में लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाती थी, जो कि उसकी तरह बोल या सुन नहीं पाते थे। प्यारी एंड सुंदर युमी एक नेक दिल और हंसमुख लड़की थी, मगर कुछ लोग वीडियो कॉल पे उससे अच्छे से बात करते थे और कुछ रूड कस्टमर्स भी मिलते थे। उन्हें सिखाते सिखाते युमी भी साइन लैंग्वेज में गालियां देना सीख गई थी। एक रात ऑफिस पार्टी के दौरान कुछ कोवर्कर्स कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुके थे। वो स्किन कंडीशंस का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर युमी के पास एक अलग खूबी थी। वो सबके लिप्स रीड करने में माहिर थी, इसलिए वो जवाब में साइन लैंग्वेज में उन्हें गालियां देती है, जो कि सिर्फ उसे और उसके बॉस को ही समझ आ रही थी। उन वर्कर्स को तो वो कोरियन हार्ट साइन लग रहा था। पार्टी के बाद वो फोन पे अपनी मॉम को टेक्स्ट कर रही थी। उसकी मॉम भी उसी की तरह बोल या सुन नहीं सकती थी। युमी अपनी मॉम के साथ जेजू आइलैंड की ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद वो अपनी कार लेकर मॉम को पिक करने जाती है, जो कि टेलर की दुकान पे सिलाई का काम किया करती थी। जब उसकी कार दरवाजे के सामने देखकर भागती हुई उसकी तरफ आ रही होती है, तो उनका एक्सीडेंट एक तेज रफ्तार बाइक से बस होने ही वाला था। युमी अपनी मॉम को डांट कर रोड पे ध्यान से चलने को कहती है। उसकी मॉम उसे अपनी सैलरी दिखाती है, जो कि काफी अच्छी मिली थी, इसलिए इस बार वो एक साथ जेजू जा सकते थे। ट्रिप को लेकर दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोजोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आती है, मगर यहाँ उसका भाई जोंगू उसे दूसरी ड्रेस पहनने के लिए कहता है। दोस्तों, हर भाई की तरह उसे भी अपनी बहन की चिंता थी, इसलिए वो उसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाने देता है। इनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे। जोंगू काफी अच्छा फाइटर है और एक सिक्योरिटी वर्कर का काम करता है। वो उसे टाइम से घर वापस आने के लिए कहता है, मगर घर से निकलने के बाद सोजोंग अपने भाई जोंगू के टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती है। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो उसका नंबर ट्राई करे जा रहा था, मगर कॉल का कोई जवाब उसे नहीं मिलता है। इसके बाद जोंगू उसे ढूंढते हुए बाहर जाता है। दूसरी तरफ सनकी दूषिक एक ब्लू मास्क पहनकर अपने अगले शिकार की तलाश में वैन से बाहर निकलता है और रोड पे कुछ ही दूर उसे युमी की कार दिखाई देती है। दोस्तों, युमी अपनी कार को पार्क करने से पहले उसकी मॉम को वही उतार देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो सनकी एक हथियार लेकर युमी की मॉम का पीछा करता है। वो उनके बहुत करीब पहुंच चुका था, मगर तभी उसकी नजर सोजोंग पे पड़ती है, जो उसी रोड से जा रही थी। सनकी दूषिक युमी की मॉम की जगह अपना टारगेट इस जवान लड़की को बना लेता है, इसलिए वो युमी की मॉम के बजाय सोजोंग का पीछा करता है और भाग कर उसके सर पे एक जोरदार वार करता है। जब उसे युमी की मॉम की ना सुन पाने की बात का पता चलता है, तो
तब वो उसकी मोम को मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। मगर तभी वहाँ से जोंगो आकर उनसे अपनी बहन के बारे में पूछता है। दूसरी ओर जब युंगमी अपनी कार पार्क करके अपनी मोम के पास वापस जा रही होती है तो बीच में एक अंधेरी सुनसान गली से उसकी ओर किसी लड़की की सैंडल आती है। वहाँ रुक कर सुनने के बाद उसे किसी लड़की की आवाज़ आती है। उसे खतरे का एहसास होता है मगर फिर भी वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जोंगो की सिस्टर सोजोंग थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था। इससे पहले कि युंगमी कुछ कर पाती वहाँ वो सन की दूषी कहा जाता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है मगर सोजोंग उसे धक्का मार कर गिरा देता है और युंगमी को बचा लेता है। युंगमी वहाँ से उठकर भागने लगती है और दूषिक भी उसका पीछा करता है मगर सामने रोड पे उसकी मोम को देखकर वो सीधा भागने के बजाय पार्किंग एरिया की तरफ भागती है। दूषिक भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक लोहे का दरवाजा था जिसे युंगमी बहुत ध्यान से दबी आवाज में खोल रही होती है मगर दूषिक गौर से सुनकर आ रही आवाज का पता लगा लेता है। लकीली पतली होने की वजह से वो उस चैन से बंधे हुए दरवाजे के गैप से बाहर निकल जाती है और दूषिक उसे नहीं खोल पाता है। इसके बाद युंगमी डरी हुई हालत में अपनी कार में बैठकर मोम को वीडियो कॉल करके वहाँ से घर की तरफ भागने को कहती है। मगर दोस्तों वो इस कार में अकेली नहीं थी। कॉल कट होते ही दूषिक बैक सीट से उठकर उसे चाकू दिखाकर गाड़ी को उसकी मोम के पास ले जाने के लिए कहता है। मगर युंगमी खुद को उससे बचाने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करके उसे ठोक देती है और दूषिक भी गाड़ी में ही गिर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर भागने लगती है और दूषिक चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ता है। वो अपनी मोम के पास जाकर रोड साइड पे लगे सेफ्टी अलार्म सिस्टम का बटन प्रेस कर देती है, इसलिए दूषिक चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। बदकिस्मती से उसकी मोम और वो खुद दोनों कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए ड्यूटी कर रहे ऑफिसर को कैमरे में इनका इशारा समझ नहीं आता है। वहाँ दूसरी तरफ ये शातिर खूनी वैन में अपने कपड़े बदल कर एक यंग बिजनेसमैन की तरह बनकर उस कैमरे की तरफ आता है और युंगमी भी उसे नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसका पीछा करते वक्त उसने एक कैप और एक मास्क की मदद से अपना चेहरा ढका हुआ था। वो उनसे कहता है कि मेरी सिस्टर मुझे कहीं नहीं मिल रही है, क्या आपने उसे देखा है? इसके बाद वहाँ एक पुलिसमैन आता है और युंगमी उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने सोजोंग को देखा था मगर वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद युंगमी ऑफिसर से पार्किंग के कैमरा फुटेज देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस फुटेज में उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आता क्योंकि कुछ शरारती बच्चों ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। वो पुलिस ऑफिसर उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें डिटेल्स में सब जानकारी देने को कहते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो युंगमी की मोम को इस बिजनेसमैन के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसकी शक्ल देखकर लग नहीं रहा था कि उसे उसकी बहन की कोई भी चिंता थी। वो तो बस अपने बैग के अंदर झांक रहा था मगर वो अपने बैग से ब्लैकबेरी वाला स्मार्टफोन निकालकर उन्हें बताता है कि मुझे मेरी सिस्टर ने मैसेज कर दिया है, इसलिए अब मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद युंगमी उन्हें साइन लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है मगर ऑफिसर को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। अचानक दूषिक उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है मगर ऑफिसर उसे उसकी बारी का इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ सीट को लेकर दूषिक और एक बूढ़े आदमी के बीच लड़ाई हो जाती है। ये बूढ़ा आदमी नशे में था, इसलिए हाथापाई में दूषिक के बैग से एक व्हाइट कलर की बॉडी वाला स्मार्टफोन गिरता है। युंगमी की मॉम उसका फोन उठाकर उसे देती है। जब पुलिस ऑफिसर उस बूढ़े आदमी को स्टेशन से बाहर छोड़ने जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर दूषिक रिपोर्ट में लिखा युंगमी का होम एड्रेस देख लेता है। इसके बीच युंगमी की मॉम उसे इशारों में बताती है कि ये आदमी कुछ न कुछ तो छुपा रहा है मगर युंगमी उनकी बात को नहीं मान रही थी। इन्हें बात करते देख कर वो सीरियस लुक के साथ युंगमी से बोलता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जिसके जवाब में युंगमी उसे बताने के लिए एक येलो पेपर पे लिखती है कुछ भी नहीं।
गई। वो किलर बहुत गुस्से से उसकी मॉम के साइड में रखे अपने बैग की तरफ जाकर उन वेपन्स में से एक को निकालने ही वाला था कि तभी वहाँ अपनी मिसिंग सिस्टर की रिपोर्ट लिखवाने जोंग हुआ जाता है। वो पुलिस से उसकी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला था। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या जोंगू को दोषी का असली सच पता चल पाएगा? बेचारी जोंगू की बहन अभी भी जिंदा होगी या फिर सन की दोषी ने उसे मार डाला? वेल, चाहे जो भी हो, मगर जो खतरनाक हथियार लेकर सन की दोषी पुलिस स्टेशन आया था, उन्हें देखकर ये बात तो साफ थी कि उसे पुलिस का भी कोई डर नहीं था। अब ऐसे में युमी के साथ क्या होगा? क्या दोषी उसे भी बाकियों की तरह अपना अगला शिकार बना लेगा? ये जानने के लिए आप इस मूवी एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 को जरूर देखना, जो कि मैं आपके लिए जल्द ही जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।